हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद द टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम शीट. द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट ही मेड. देखिए क्या कह रहा है वो, कि एक कोई रीचल पर्सन है, ठीक है, उसने एक मॉडल बनाया. किस शेप में है वो? पहले तो वो सिलेंडर है और सिलेंडर के बाद उसके ऊपर 2 कोन है. क्या है? 2 कोन है. वो 2 कोन हमारे इस टाइप से हो गए, 1 कोन और इसके क्रॉसपोंडिंग दूसरा कोन, ठीक है. तो ये देखिए, ये बीच वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? सिलेंडर. और ऊपर और नीचे वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? कोन. ठीक है, आपको इस तरीके से फिगर बनानी है. ज्यादा वो नहीं, फिगर जरूर बनानी है, ठीक है. उसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो गया? 3/2. उसके बाद द टोटल लेंथ, ये देखिए लेंथ इज 12, यानी ऊपर से लेके नीचे तक ये जो टोटल लेंथ है मॉडल की वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर. कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है. अब देखिए उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी जो ये कोन है, ये इसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर. और जो ये वाला है हाइट, ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर. अब देखिए टोटल कितनी है? 12. ये भी 2, ये भी 2, 2 और 2 4, 4 12 में से 4 गया 8, यानी सिलेंडर की कितनी बची हमारी हाइट? 8 सेंटीमीटर. समझ आया अच्छे से? ठीक है, तो मेन तो ये डायग्राम और इसकी मेजरमेंट है. अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई तो आप क्वेश्चन को इजिली कर लेंगे, ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन करते हैं हमारा, ठीक है. सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखना है. रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/2. व्हाई? बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय, ठीक है. तो ये किसके इक्वल है? आर कितना आया हमारा? 3/2. उसके बाद हम निकालेंगे हाइट ऑफ कोन. हाइट ऑफ कोन कितनी है? देखिए हाइट ऑफ कोन इज दैट इज एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है. तो हाइट कितनी आ गई हमारी? 2. और रेडियस कितना हो गया? 3/2, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? एक कोन का निकाल रहे हैं ना हम, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है. दैट इज योर 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच, एच कितना है? 2, ठीक है. दैट इज, सोल्व कीजिए इसको, ठीक है. क्या आएगा अलग से सोल्व कीजिए. थ्री से हमारा 3 कैंसिल आउट, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, इस 2 से इसको काटेंगे, 11, दैट इज योर 11 3 33/7. ये किसका आ गया? वॉल्यूम ऑफ 1 कोन. वॉल्यूम हमने कितने कोन है हमारे? 2 कोन है. कितने हैं? 2 कोन है. तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इज इक्वल टू 33/7 इंटू 2 इज इक्वल टू 66/7. कितना है? 66/7. ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन. अब निकालिए रेडियस ऑफ सिलेंडर. कितना है? 3/2. उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आया है? 12 - 2 - 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
ठीक थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, ठीक है। इसको कीजिए 18 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 को 22 से कीजिए, थ्री नाइनटी सिक्स बाई सेवन। अब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐड कीजिए 396 में 66 कीजिए, 6 6 12 1 6 1 4 62। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 6 42, 42 6 42, ठीक है। तो ये कितने इक्वल आ गया, 462/7, दैट इज योर 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। एक मोस्टली स्टूडेंट्स जो ये सेंटीमीटर क्यूब है ये नहीं लगाते, यूनिट्स ही नहीं लगाते, या कुछ बच्चे, देखिए स्टूडेंट्स अगर आप इस तरीके से लास्ट में लाइन लिखते हो, ठीक है, ये चीज लिखते हो, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच, ये सब चीजें अगर आप मेंशन करते हो ना, तो इससे एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आपका जाता है और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से साफ सुथरे से, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, योर अटेम्प्टेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर सीबीएसई और इन एनी ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स एज कंपेयर टू योर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट।